आज भाजपा विकास का पर्याय है, विश्वास का पर्याय है, नए विचार का पर्याय है और देश की विजय यात्रा का भी एक मुख्य सेवक बनकर के अपनी भूमिका निभाता रहा है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम कर रही है। भाजपा की कार्यशैली सर्वसमावेशी है, सर्वस्पर्शी है, सर्वजन का हित करने वाली है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को हमने हमेशा अपने हृदय में, अपनी कार्यशैली में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय ये हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है। बीते वर्षों में बहुत सारे दल सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति का दिखावा करते रहे हैं। इन दलों ने, उनके मुखिया अपने परिवार का भला कर लेते हैं, अपने समाज का कतई नहीं। जबकि भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है, उसकी भावना का अक्षरशः पालन करती है। आज भाजपा देश में एक नए पॉलिटिकल कल्चर का भी नेतृत्व कर रही है। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है, ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का तरफ देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर है बड़े सपने देखने और उससे भी ज्यादा हासिल करने के लिए जी जान से खप जाना, शरीर का कण कण, समय का पल पल खपाने का हौसला रखते हैं। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर महिलाओं की समस्याओं, उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों की परवाह ही नहीं करता है। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल महिलाओं के जीवन को आसान बनाने, उनके सपनों को साकार करने को, निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदारी देने को प्राथमिकता देता है। इसलिए आज के युवा हो या फिर देश की माताएं, बहनें, बेटियां, भाजपा के साथ हम पल पल अनुभव कर रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद बढ़ते चले जा रहे हैं, जुड़ाव महसूस करती हैं, अपनापन महसूस करती हैं।